नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज इस 11 रुपये के पेनी स्टॉक के बारे में, जिसमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मतलब लगातार लोग अच्छा माल स्टॉक उठा रहे हैं। और बहुत बड़ी खबर निकल के आई है आज स्टॉक के लिए, आज कंपनी ने अपने Q4 नतीजे आउट करे और Q4 नतीजे बहुत शानदार आए। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट अप हुआ है 240%। तो दोस्तों अपने आप एक आपकी शानदार ये खबर है, खासकर इस स्टॉक के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने भी स्टॉक को होल्ड करा हुआ है। अभी आपके साथ नाम शेयर करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं, अगर आप उनमें एक अच्छी एंट्री का इंतजार करते हो, मतलब एक प्राइस का इंतजार करते हो, तो वो एक आपको अच्छा डिसेंट रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, वीडियो को अंत तक देखना। स्टॉक क्वालिटी काफ़ी भाग चुका है, 2020 में आप देख सकते हो मात्र 3 से 4 रुपये का प्राइस था और आज स्टॉक का प्राइस 11 रुपये ट्रेड कर रहा है। मोर देन 3x स्टॉक ने पैसा कमा के दिया है, राइट। ऐसा पैसा आपको पता है कि बड़े बड़े स्टॉक्स में नहीं दे पाते जितना ही पेनी स्टॉक ने कमा के दिया है, राइट। तो मैं यही बोलूंगा अंत तक देखना किस प्राइस में कहाँ दोबारा एंट्री करा जा सकता है, किस को हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या सच में ये स्टॉक वर्थ है लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, और साथ में लाइक शेयर कॉमेंट पक्का करना। तो मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम सुराना टेलीकॉम पावर लिमिटेड है। अगर आपको याद होगा तो बहुत पहले ही मैंने इसके बाद वीडियो बनाया था। एग्जैक्टली किस प्राइस में बनाया था वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्टॉक का नाम मुझे सुराना के नाम से याद आ गया, तो मुझे पता है मैंने वीडियो बनाया था। फिर भी छोड़ो, अभी हम बात कर लेते हैं इसके करंट फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। वो शेयर करने से पहले मुझे प्राइस क्या बता रहा है मैं आपको वो समझा देता हूँ, कि मैंने आपको बोला ना प्राइस हमेशा आपको बहुत चीज़ें पहले प्रिडिक्ट करके बता देता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखो ये पूरा एक रजिस्ट्रेशन एरिया है स्टॉक का, ये अपर ट्रेंड है, ठीक है। बिल्कुल देखो यहाँ ये रजिस्ट्रेशन लेके नीचे गिर रहा है और ये पूरा सपोर्ट बेस का सपोर्ट बनता है स्टॉक का। तो अभी ये स्टॉक करंटली एक अपर ट्रेंड में, अपर साइकिल में है। तो ये स्टॉक अगर आपको समाओ फ्यूचर में 10 रुपये मिलता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, और सबसे अच्छा प्राइस 10 रुपये ही होने वाला है, क्योंकि जो बायर्स है ना वो 10 रुपये के बाद स्टॉक को डेफिनेटली आएंगे ग्रैब करने के लिए। 10 से 9 रुपये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्राइस को आप प्लीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना, और उसके बाद अब बढ़ते हैं हम उसके करंट फाइनेंशियल की तरफ, मतलब इसके Q4 नतीजों की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने इसके क्वार्टर रिजल्ट्स खोल रखे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो मात्र 22 में 8 करोड़ की सेल्स हमें देखने को मिलती है, और जो इसका एक्सपेंस है मात्र 3 करोड़ का है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 4.61 करोड़ का हुआ है। यही प्रॉफिट आपका मार्च 2021 में सेम प्रॉफिट है 4.5 करोड़ के आसपास का। लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो उस साल कंपनी को 66 लाख का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस बार कंपनी को 2.28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब कंपनी के जो नंबर्स है आप खुद देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 240% का हमें इजाफा देखने को मिलता है, नेट प्रॉफिट अब देखने को मिलता है। और साथ में दोस्तों इम्पोर्टेंट खबर ये भी है कि लास्ट क्वार्टर में 2021 में कंपनी के नंबर्स देखो 1.84 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़कर 2.28 करोड़ हो गया। इसका मतलब कंपनी के नंबर्स दोनों प्रकार से मतलब क्या होता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए, ग्रोथ आ रही है नज़र, ठीक है। साथ में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ग्रोथ नजर आ रही है प्लस की तरफ। इसका मतलब दोनों इंडिकेटर्स हमें संकेत दे रहे हैं कि वी कैन बाय, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ये हमें संकेत मिलते हैं, ठीक है। और बाकी अगर बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट, तो ये तो देखो लगातार ग्रो ही हो रहे, लगातार ये आपको काफ़ी अच्छे नंबर्स दे रही है। बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो, रिजर्व लगातार ग्रो हो रहे हैं, और कंपनी ने काफ़ी बड़ा डेट देखो 125 करोड़ का डेट, ठीक है, फिर 47 करोड़ हो गया, फिर 44 हो गया, और आज देखो 25 करोड़ का डेट हो चुका है। मतलब बहुत जल्द कंपनी आपका डेट फ्री बन जाएगी FY23 तक। ये उम्मीद मुझे लग रही है कि FY23 तक कंपनी आपकी डेट फ्री हो जाएगी। कैश फ्लो भी आप देख सकते हो 54 लाख का है, और साथ में श्योरिटी पैटर्न देखो बहुत गजब का है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 74% है, पब्लिक की होल्डिंग 25% है। तो आप मुझे बताओ आपको स्टॉक कैसा लगा। फॉर मी एटलीस्ट ये स्टॉक अच्छा है, ठीक है। तो स्टॉक अगर आपको 10 रुपये प्राइस में मिलता है, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, आप स्टॉक को डेफिनेटली बाय करना, और NSE/BSE दोनों में स्टॉक काम करता है, तो इजिली कैन बाय कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में लिक्विड की कमी होगी, मतलब कैश फ्लो नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख शेयर ट्रेड किए जाते हैं, 74,000 शेयर लोग लेके गए, 65% डेली स्टॉक में उठाई गई, तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है इस छोटे से स्टॉक में। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने सुराना का यहाँ पर चार्ट पैटर्न खोला हुआ है,
स्टॉक ने पहला जो रजिस्ट्रेशन एरिया था वो कंप्लीट कर लिया 16 रुपए के आसपास। स्टॉक का जो सपोर्ट बनता है, सपोर्ट बनता है एरा, तो देखो स्टॉक अभी सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड ट्रेड कर रहा है, तो आप डेफिनेट स्टॉक को यही अकुमुलेट कर सकते हो। 7 रुपए का आप स्टॉक में एसएल लगा सकते हो, ठीक है। 7 रुपए का आपका एसएल रहेगा, एंड स्टॉक का सपोर्ट एरिया पूरा बन चुका है। जब तक यहाँ ट्रेड कर रहा है यू कैन बाय, सिंपल है, ठीक है। स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हो। डेफिनेटली ये जो अच्छे नंबर वाला स्टॉक है जिसने नेट प्रॉफिट जिसके अप हुए ऑलमोस्ट कितने, जैसे मैंने अगर 240%, डेफिनेट स्टॉक को आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। बाकी खत्म करता हूँ वीडियो को, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। और FY23 में स्टॉक बहुत जल्द डेट फ्री होने वाला है, ठीक है।